अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं पोटैटो सैंडविचेस की रेसिपी, जिसके लिए हमने दो मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं, जिसको हमने बॉयल कर लिया है और मैश कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके लिए जो हमने मसाले लेने हैं, इसमें लिया है 1/2 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्चें ली हैं जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, 1/2 प्याज ली है यहाँ जिसको हमने कट कर लिया है, चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून लिया है लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च, और धनिया लिया है, धनिया लीव्स। इसके लिए हमने ये तमाम मसाले लिए हैं। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। इसके अंदर हम इस अनियन ऐड करेंगे और इसको सौते कर लेंगे। जब तक ये सॉफ्ट होती है, इसमें हम फिर इसके मसाले ऐड कर देंगे। इसको ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा बस सॉफ्ट करना है। और फिर हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग भी ऐसी रेसिपीज़ अपने घर में ट्राई कर सकें। ये आप देख रहे हैं, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसमें हम मैश किए हुए आलू ऐड कर देंगे, जो हमने बॉईल कर लिए थे, उसको फाइनली मैश कर लिया है और इसको मिक्स कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आलू जो है मसाले के अंदर मिक्स हो चुके हैं, और इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, धनिया स्प्रिंकल कर दिया है, और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी फिलिंग जो है वो रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। यहाँ हमने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इसके हमने कॉर्नर्स को कट नहीं किया है। अगर आप चाहें तो कॉर्नर्स भी कट कर सकते हैं। इसमें हम फिलिंग इसके अंदर रखेंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे स्लाइस पे। और दूसरे स्लाइस पे हम केचप लगा रहे हैं। आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, या कोई चटनी आपके पास हो तो भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने इसमें केचप लगाया और इसको रख दिया है। इसको देख सकते हैं आप, ये हमारा रेडी है। अब यहाँ हम ऑयल लिया है हमने, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन सा आपने कलर दे देना है। बहुत अच्छा ये रेसिपी हमारी चैनल पर आपके साथ शेयर की जा रही है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को भी आप दे सकते हैं और इफ्तार में भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा ये। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। आप इसको मक्खन से भी इसको इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पोटैटो सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हैं, बहुत अच्छे बने थे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, एंड ट्राई करने के बाद फीडबैक भी लाजमी दें कि हमारी रेसिपीज़ और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।